अध्याय 20 वचन 19 से 23 तक। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 वचन 19 से 23 तक। गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 20 वर्सेस 19-23। सप्ताह के प्रत्येक दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्रित थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले, और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपने बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले, पिता ने जैसे मुझे भेजा है मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूं। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्राइस्ट में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, प्रभु यीशु का कब्र में से जी उठने के बाद आज 50वें दिन है, और जैसे प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित होने से पहले प्रेरितों से कहा था, तुम यरूशलेम में बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति पवित्र आत्मा से संपन्न नहीं हो जाओगे, यरूशलेम नहीं छोड़ना। प्रभु के यह आदेश के अनुसार माता मरियम, प्रेरितगण और अन्य शिष्य ऊपर के कमरे में लगातार प्रार्थना में लगे हुए थे, और पवित्र आत्मा जैसे आज हमने वचन में सुना आग के रूप में जीवों में विभाजित होकर सभी लोगों के ऊपर उतरा, और इसको हम कहते हैं पेंतेकोस्त पर्व, जहां जैसे मैंने कहा कलीसिया का जन्म दिवस है। प्रेरितगण पवित्र आत्मा से भरकर अन्य अन्य अलग अलग भाषाएं बोलने लगे, जिसे गोलू ने पढ़ा, क्या ये सब बोलने वाले गलीली नहीं है? फिर हमारी एक व्यक्ति अपने अपने भाषा में इन्हें बोलते हुए हम कैसे सुन रहे हैं? साधारण मछली पकड़ने वाले अनपढ़ अलग अलग देश के भाषाओं को बोलने लगे। पवित्र आत्मा ने उन्हें जैसे वरदान दिया अलग अलग भाषा बोलने के लिए, और वे इसी प्रकार अलग अलग भाषा में बोलने लगे। और इसलिए कहते हैं हम सब अपनी अपनी भाषा में ये गलीली साधारण लोग बोलते हम कैसे सुन रहे हैं? पवित्र आत्मा का वरदान है। इस पवित्र आत्मा के आगमन के बारे में जो जीवों में आग के रूप में सभी प्रेरितों पर उतरा, ये किसका, इसके बारे में योहान बपतिस्मा ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी किया था। किसने भविष्यवाणी की? गोलो योहान बपतिस्मा ने। हम देखते हैं लूकास के सुसमाचार अध्याय 3:16 में, लूकास अध्याय 3:16 में, जहां योहान बपतिस्मा बहुत पहले से यीशु के बारे में या पवित्र आत्मा के बारे में भविष्यवाणी कर दिया है पेंतेकोस्त किस प्रकार की होगी। इसलिए योहान ने समूह से कहा, मैं तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसके जूते का पिता खोलना योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देंगे। ये सब लोग इस वचन के मेरा बात बोलिए।
यूहन्ना ने सबसे कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं, मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। विमला कैसे बपतिस्मा देंगे? आग से और जल से बपतिस्मा देंगे। जब फादर बोलता है दोहराने के लिए, आपको दो से दोहराना है, आपकी आवाज मेरे कान तक पहुंचना है। तो यूहन्ना बपतिस्मा कहते हैं प्रभु यीशु या पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। यूहन्ना की बपतिस्मा जो सिर्फ पानी का बपतिस्मा है तो सिग्निफाई हमें संकेत करता है कि हमें शारीरिक और आत्मिक रूप से शुद्ध होने के लिए। मगर यूहन्ना बपतिस्मा का बपतिस्मा जो पानी का है वो सिर्फ शरीर की मैल धो सकता है, इतने सही में सिर्फ शरीर का मैल धो सकता है। और इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा कहते हैं मेरे बाद जो आने वाले हैं मुझसे अधिक शक्तिशाली है और वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। पवित्र आत्मा जो आपके दिल की गहराई तक पहुंचकर दिल में छिपे उन सभी पाप के रहस्यों को प्रकट करेगा। और आग क्या करेगा? साइमन आग क्या करेंगे? पवित्र आत्मा अंदर घुसकर पूरे पापों को प्रकट करेगा। आग क्या करेंगे? आप विनोद पापों को जलाएगा। एग्जैक्टली, ऐसे कठोर दिल वाले हैं, कठोर दिल वाले पापों को इतने आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे दिल वालों को पवित्र आत्मा क्या करेंगे? अपनी आग से पिघलाएगा, नरम बनाएगा और पापों को स्वीकार करने के लिए उन्हें बाध्य करेगा। और उनमें पापों को भी स्वीकार करने के बाद वो क्या हो जाएंगे? जैसे लोहे को आग में तपासने से क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। और उसमें उसको यदि हमें उसे नया रूप देना है वो जैसे चाहते हम उसे उस रूप दे सकते हैं। वैसा हर मनुष्य को जब पवित्र आत्मा आग के रूप में उतर कर पिघला कर पाप की हर दास्ता को नष्ट करके हर मनुष्य को नया रूप देगा। नया रूप है प्रभु का रूप है, यीशु का रूप है, पिता ईश्वर का रूप है, क्योंकि हम हर एक मनुष्य वही रूप में बनाए गए हैं। मगर पाप ने हम सबों को यह रूप से वंचित कर दिया है। और इसलिए हमारे के व्यक्तियों पर जो पवित्र आत्मा आएगा हमारे जीवन को संचालित करेगा, हमारे पाप दिल में जो गहराई में छिपा हुआ उन सभी बातों को प्रकट करेगा और पाप रूपी हृदय को पिघला कर हर इंसान में एक नया रूप लाएगा। और पवित्र आत्मा वही किया प्रेरितों के जीवन में, जो अनपढ़ थे, गवार थे, लोगों के सामने बोलने के लिए हिचकिचाते थे और उन्हें नई नई भाषा बोलने के लिए ताकत कहां से मिली? पवित्र आत्मा ने दिया है। और जो डरपोक थे अभी हिम्मत वाले बन गए हैं, पवित्र आत्मा ने उन्हें वरदान दी। जो यीशु के नाम से बोलने के लिए कतराते थे अभी यीशु के नाम से खड़े होकर प्रचार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। और पवित्र आत्मा जब प्रेरित पर उतरता है वो कुछ नए बातें नहीं बताता है। यीशु जो कार्य करने के लिए आए हैं वही कार्य को आगे बढ़ाता है। पवित्र आत्मा का काम है कुछ नई शिक्षा देने के नहीं, मगर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु क्रिस्त का कार्य जो उन्होंने शुरुआत किया है उसे आगे बढ़ाता है। और इसलिए यह भविष्यवाणी जो यूहन्ना बपतिस्मा ने किया वह आज पूरा होते हुए हम देखते हैं। और इसलिए जो आग ऊपर के कमरे में दिखाई दिए हैं यह पवित्र त्रित्व का शक्ति है और सामर्थ्य है। द ग्रेस ऑफ द ट्रिनिटी पवित्र त्रित्व का एक कृपा है जो प्रेरितों पर उतरा है। और यह इन्फिनिट लव यानी अनगिनती ईश्वर का प्यार का प्रतीक है।
ईश्वर के प्यार को हम कभी नाप नहीं सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ना केवल प्रेरितों पर और हर मानव के ऊपर उतरने वाला है, हर मानव के ऊपर पवित्र आत्मा, और इसलिए है इन्फिनिट मर्सी ऑफ गॉड, इसको कहते हैं अनगिनत ईश्वर की दया हर मानव के ऊपर। और वही दृश्य आज हम देखते हैं, और जो आज यरूशलेम शहर में हुआ प्रेरितों के साथ पवित्र आत्मा यही कहना चाहता है प्रभु यीशु को महिमान्वित करता है, प्रभु यीशु को क्या करता है महिमान्वित करता है। इसलिए संत बेसिल कहते हैं जैसे पिता ईश्वर की रूप प्रभु यीशु में दिखाई दिया, यीशु ने कहा नहीं जो मुझे देखा है उसने मेरे पिता को भी देखा, इसलिए संत बेसिल कहते हैं जैसे प्रभु यीशु में पिता ईश्वर के रूप में दिखा वैसा आज पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरने से पवित्र आत्मा द्वारा किसके चेहरा चमकने लगा, किसकी चेहरा चमकने लगा पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरने से। इसलिए मैं ध्यान से सुनो, यीशु ने कहा जो मुझे देखा है वे मेरे पिता को भी देखा है ना, यीशु में पिता की चेहरा चमकने लगा। आज पवित्र आत्मा आने से किसकी चेहरा चमकने लगा, यीशु का चेहरा, क्योंकि पवित्र आत्मा कुछ अपने लिए नया बात नहीं बता रहा है, यीशु के कार्यों को आगे बढ़ाता है, हर बातों में यीशु को महिमान्वित करता है। और इसलिए आज यह सुंदर दृश्य में हम यीशु के चेहरे को महिमान्वित करते हुए हम देखते हैं, पवित्र आत्मा के कार्य में हम यीशु की चेहरा महिमान्वित होते हुए देखते हैं। मार्गरेट, यीशु पवित्र आत्मा के कार्य में हम किसकी चेहरा देखते हैं, प्रभु यीशु के, और प्रभु यीशु के चेहरे में हम किसकी मुंह देखते हैं, पिता ईश्वर। इसलिए यीशु ने कहा जो मुझे देखा है वो पिता को भी देखा है, और आज पवित्र आत्मा उतर कर महिमान्वित करता है प्रेरितों की बोली से यीशु के चेहरों को, यीशु के कार्यों को बखान करता है। और इसलिए जो आज दिखाई दिया आज ऊपर के कमरे में जीवों के समान वह ईश्वर की या कृपा की महिमा है, ईश्वर की जो कृपा है उसकी महिमा है, और प्रभु यीशु का जीवन है और ज्योति है, पवित्र आत्मा की यह ज्योति प्रभु यीशु क्रिस्त का जीवन में कार्य रहा और हमारे विश्वास का आधार है, जो आज दिखाई दिया हमारे विश्वास का आधार है, और यह आगे हमारे लिए अनंत जीवन का स्रोत है। आग किसका प्रतिरूप है, आग किसका प्रतिरूप है, आज आग आग प्रेतों पर उतरा कि नहीं, किसका प्रतिरूप है ब्रदर, पवित्र आत्मा का प्रतीक है, आग किसके रूप है पवित्र आत्मा, बोलना नहीं साइमन, आग पवित्र आत्मा का प्रतिरूप है, आग के रूप में पवित्र आत्मा प्रेतों पर उतरता है। अन्य जगह पर हम कहां देखते हैं सुसमाचार में प्रभु यीशु को कौन सा पवित्र आत्मा को कौन सा रूप में उतरते हुए, बोलो कबूतर के रूप में, किसके ऊपर उतरा, कब उतरा, बपतिस्मा लेते समय, कौन सी जगह पर, यरदन नदी में, वेरी गुड, आप सब परिपक्व हो गए, वेरी गुड। तो पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में वहां उतरता है, और कबूतर किसका प्रतीक है, पवित्र आत्मा, व्हाट इज सिंबलाइज, आग का चिन्ह है पवित्र आत्मा, जो कठोर दिलों को पिघलाता है, लोगों को नरम बनाता है, और कबूतर जो दिखने से वो किसका प्रतीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कबूतर, कबूतर का सिंबल मीनिंग शांति के प्रतीक है, सहनशीलता के प्रतीक है, बोले बालकपन का बच्चों के जैसा प्रभु यीशु के ऊपर उतरने से प्रभु यीशु के सद्गुणों को वहां प्रकट करता है। तो आज प्रभु पवित्र आत्मा आग के रूप में उतर कर ही बताना चाहता है, पवित्र आत्मा ऐसी है कि ईश्वर की शक्ति है जो कठोर दिलों को पिघला कर पापों को स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है और उन सबों को नया रूप देता है। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में जब पवित्र आत्मा जाता है वह वही आदमी नहीं रहता, एक नया
रूप धारण करता है और वह रूप है प्रभु यीशु का रूप, ईश्वर का रूप है। और इसलिए यही आग प्रेरितगण जो साधारण मछली पकड़ने वाले थे, अभी मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुआरे बन जाते हैं। और यही आग जो प्रेरितों पर उतरने से प्रेरितों की भाषा जो थी सुसमाचार में बदल जाता है, और जहां जितने लोग वहां इकट्ठे थे उनकी भाषा सुसमाचार में बदल जाता है, वे अपनी अपनी भाषा बोलते हुए हम कैसे सुन रहे हैं। यीशु के वे लोग क्या करने लगे, बकान करने लगे। इसलिए आगे प्रफुंड प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, आग इसका प्रतीक है जहां हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को बहुत गहराई से अनुभव करते हैं, प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। और यह आग कलीसिया की स्थापना करती है, आगे में पवित्र आत्मा का आगमन जिसके द्वारा कलीसिया की स्थापना होती है, कलीसिया के निर्माण होती है और साधारण लोगों को ट्रांसफॉर्म्स परिवर्तन करता है, शक्तिशाली वक्ता के रूप में प्रेरितों को बदलता है। और यह आग प्रेरितों के उतरने से उन्हें यह कलीसिया के रूप उन्हें देता है, प्रभु यीशु के शरीर के अंग बन जाते हैं। और पवित्र आत्मा सबों पर उतरा अलग अलग छोटे छोटे आग के रूप में, इसका मतलब है अलग अलग पवित्र आत्मा नहीं, एक ही पवित्र आत्मा अपने आप को विभाजित कर सभी प्रेरितों पर उतरता है, ऐकने विमला जी। और इसी के द्वारा पवित्र आत्मा आने से उनके दिल में जो भय था वो दूर हो जाता है और वे शांति को अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार पवित्र आत्मा आने से उनके जीवन में बहुत से प्रभाव परिणाम हुआ है। So it happened in the lives of prayer ki jin mein aisa hua, abhi ye kya labh hai sharda, abhi pavitra atma ka tyohar manate hue hamare liye kya labh ho sakta hai, hamare hi labh hoga ki yadi hum duniya ki छोटी छोटी बातें जो महत्व नहीं रखता है ईश्वर की दृष्टि में, उन ऐसी बातों को त्याग कर जो हमारे जीवन में ज्यादा महत्व रखता है आत्मिक संबंधी बातों में यदि हम ध्यान देते हैं तो हमारे जीवन में भी वही पवित्र आत्मा का आगमन होगा। दुनिया के ऐसी छोटी छोटी बातों को, शारीरिक संबंधी बातों को त्याग कर हम सबों को महत्व देना है उन सभी बातों पर जो स्वर्ग संबंधी है, अनंत काल से संबंधित है, इटर्नल लाइफ से संबंधित है। इसलिए संत मकारियुस कहते हैं, संत मकारियुस, बोलो कभी ये नाम सुना, संत मकारियुस एक महान संत है। मकारियुस, संत मकारियुस कहते हैं यदि आप इस दुनिया के उन सभी झंझटों को यदि आप त्यागते हो, इफ यू आर रेडी टू रिनाउंस द अपने जीवन को त्यागने के लिए, आज वर्तमान समय में जो आप अपना जीवन जी रहे इसको त्याग कर यदि आप प्रार्थना में ईश्वर संबंधी बातों में वचनों में अनंत जीवन में ध्यान देते हो और उसको पाने के लिए प्रयास करते हो, ईश्वर की आत्मा के कार्य आप में भी संपन्न होगा। हम देखते हैं प्रेरितों के जीवन में पवित्र आत्मा आने के लिए वे 9 दिनों से क्या कर रहे हैं, मरियम के साथ रात दिन प्रार्थना में लगे हुए। इसलिए संत मकारियुस हमें कहते हैं यदि हम भी इस दुनियादारी झंझट से मुक्त होकर उन्हें, वह आवश्यक है हमारे अति आवश्यक नहीं है, हमारे लिए अति आवश्यक है स्वर्गिक संबंधी बातों पर ध्यान देंगे, प्रार्थना में लगे रहेंगे, उन्हीं का आनंद हमारे आनंद होगा, उन्हीं की खुशी हमारी खुशी होगी और पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य उन्हें प्राप्त हुआ वह हमें भी प्राप्त होगा। और इसलिए हम देखते हैं ईश्वर अपने आप को उन सबों के लिए देते हैं, गॉड गिव्स टू एवरीवन हिमसेल्फ, जो लोग विश्वास करते हैं कि पवित्र ईश्वर या पवित्र आत्मा आपके शरीर में
वास कर सकता है। आपको विश्वास करना है मेरे ये शरीर में पवित्र आत्मा वास कर सकता है। यदि आप ऐसा विश्वास करते हैं इट विल हैपन। इसलिए हमें विश्वास करने की जरूरत है। हम देखते हैं साइमन, ईश्वर ने मनुष्य को निवास करने के लिए कौन सा स्थान बनाया? धरती बनाया, वेरी गुड। और कौन सा जगह बनाया? स्वर्ग को भी बनाया। यस, हम सभी जन धरती के जन्म के बाद कहां रहेंगे? स्वर्ग में रहेंगे। तो ईश्वर ने मनुष्य को रहने के लिए दो जगह बनाया, धरती और कासी में दूसरा स्वर्ग। और ईश्वर ने अपने लिए रहने के लिए कौन सा स्थान बनाया? ईश्वर ने अपने आप को रहने के लिए कोई स्थान बनाया क्या? कासी में नहीं बनाया, अब में रहेगा। कहां रहेगा ब्रदर? हमारे दिल में। एग्जैक्टली, ईश्वर ने मनुष्य को रहने के लिए आकाश या स्वर्ग और धरती बनाया और अपने आप को रहने के लिए स्थान बनाया हमारे दिल में और हमारे दूसरी जगह दिल में और कहां? दिल में और तेरे भाई कहां रहेगा? ईश्वर दिल में, सही बोले। दूसरा, ईश्वर मनुष्य को रहने के लिए धरती बनाया और दूसरा स्वर्ग बनाया। वैसा मनुष्य ईश्वर अपने आप को रहने के लिए दो जगह बनाया, हमारे दिल और दूसरा हमारा शरीर। कौन बोले? माता जी बोले। ये माता जी कहते हमारा शरीर। इसलिए सर पौलुस कहते हैं, क्या आप यह नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो ईश्वर वास करते हैं हमारे दिल में और हमारे शरीर में। इस बात को भूलना नहीं, ईश्वर के निवास स्थान है मार्गरेट हमारे दिल और हमारे शरीर। यदि ईश्वर हमारे दिल में वास करता है, हमारे शरीर में वास करता है, क्या हम ईश्वर को ऐसी जगह बनाएंगे जो ईश्वर रहने के लायक सिस्टम बहता? यदि ईश्वर हमारे शरीर में वास करता है उसके लायक जगह कैसे होना चाहिए? अति पवित्र होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अति पवित्र, इज मोस्ट होली, पवित्र 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 कहते कि नहीं जिसम है। और यदि ईश्वर रहने के लिए शरीर और आत्मा को बनाया तो उन दोनों को भी हमें कैसे रखना चाहिए? पवित्र रखना चाहिए। इसलिए हमारे शरीर में कोई कोड नहीं होना चाहिए, हमारे शरीर में कोई बुरी आदत नहीं होना चाहिए। दारू नशे होना चाहिए शारदा? यदि दारू नशे करने से हमारे दिल में हमारे शरीर में यीशु वास कर सकता है, वो शैतान वास करेगा। जब हमारा दिल दारू की अड्डा बन जाती है तो हमारे शरीर में कौन वास करेगा? साइमन, आप शैतान को आपके साथ वास करने के लिए देंगे क्या? नहीं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, क्या आप यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है विमला जी? और इसलिए हमारे शरीर को हमें हमेशा क्या करना चाहिए? पवित्र रखना चाहिए। यदि हमारा शरीर पवित्र है, यदि हमारा दिल पवित्र है, तो निरंतर हमारी आत्मा में हमारे शरीर में पवित्र आत्मा वास करेगा। और जब पवित्र आत्मा वास करेगा तो हमारा जीवन भी उसी के लायक होगा, प्यार से भरा रहेगा, शांति से भरा रहेगा और हर प्रकार के अच्छे कार्यों से भरा रहेगा। इसलिए संत पौलुस हमें बताते हैं, जैसे हम अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, घरों को साफ सुथरा रखते कि नहीं शारदा? और रोज पोछा करते आप? और कोने कोने में पेटी पेटी में सब अपने संपत्ति जायदाद को छिपा कर रखते हैं, आई नहीं? नहीं, अच्छा बैंक में रखते हैं। पर कोई कोई चीज तो घर में होगा कि नहीं? सभी चीजों का हम बैंक में नहीं डालते हैं, जो प्रतिदिन की चीजों का हम मूल्यवान चीजों को घर में रखते हैं। यदि हम रहने के लिए अपने घरों को इस प्रकार सजाते हैं, हम रहने के लिए अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, सजाते हैं, तो हमारे दिल और मन जहां शरीर प्रभु यीशु रहते हैं हम उसे कितने अच्छे से सजाने चाहिए, है कि नहीं? साइमन, आपके घर कितने सुंदर सजा कर रखे हैं अभी, पहले के समान नहीं है कि नहीं? तो गुड़ों को भी आप अच्छे से सजा कर रखते हैं, सामान ठीक से रहने चाहिए। तो यदि अपने घरों को हम इतना अच्छा सजा कर रखने से, तो
तो हमारे शरीर को और आत्मा को और कितनी हमें अच्छा सजाना चाहिए ईश्वरीय सद्गुणों से, पवित्र आत्मा के फलों से। हमारे जीवन को काशी में क्या करना चाहिए? सजा। आपके घर बहुत सुंदर है कि नहीं काशी में? और रोज दिखता है साफ सुथरा, कोई कचरा नहीं होना चाहिए, सजाना। वेरी गुड, घर को सजाना। और जहां हमें अच्छी नींद आती है, यू आर वेरी पीसफुल, जब आप लेटते हो अच्छा नींद आती है। अपने घर जितना साफ सुथरा है, यदि हमारे लिए इतनी साफ सुथरे घर की जरूरत है जहां आप अच्छा आराम कर सकते हैं, तो प्रभु यीशु आपके शरीर में आराम करना चाहते हैं, क्यों? उनका निवास स्थान है। प्रभु यीशु का निवास स्थान कौन है शारदा? आप अपने शरीर को इतना सजा के लाएंगे नहीं, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे भोजन, वेरी गुड। तो वैसा हमारे दिलों का भी हम सद्गुणों से, ना केवल इतवार के मिशन हफ्ते में एक बार, हमारा शरीर और दिल को हमेशा हम सजा के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यीशु हमारे दिल में हमेशा रहना है। इस संडे प्रभु यीशु क्रिस्त की उपस्थिति हमारे दिल में 24 घंटा होना है, और इसलिए हमें 24 घंटा हमारा शरीर और आत्मा को पवित्रता में रखना है, हमेशा सुंदरता में सजा के रखना है। जैसे हम अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, वैसे प्रभु के लिए अपना घर सुंदर होना चाहिए। और जैसे आप अपने घर जाने के लिए हमेशा तत्पर रहते, मेरा घर, मैं घर कब पहुंचूंगा और आराम करूंगा, लेटूंगा और जैसे थोड़ा गर्म चाय पानी पीऊंगा। So you relax at home, वैसा प्रभु यीशु भी पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर हम सबों के शरीर में वास करना चाहते हैं। इसलिए we must keep it clean, शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए और ईश्वर के लायक जगह बनाना चाहिए। इसलिए इब्रानी 3:6 में हम पढ़ेंगे मार्गरेट, हिब्रूस, इब्रानी 3:6 में मिल गया 3:6 पढ़िए साइमन। जबकि मसीह ईश्वर के घराने का अध्यक्ष बनकर पुत्र के रूप में ईमानदार रहे, ईश्वर का घराना हम है, ईश्वर का घराना हम है, हम अंत तक वह भरोसा और आशा अपूर्ण बनाए रखें जिस पर हम गौरव करते हैं। तो आपने इस वचन के मेहरबान बोलिए, जबकि मसीहा ईश्वर के घराने का अध्यक्ष बनकर पुत्र के रूप में ईमानदार रहे, ईश्वर का घराना हम है, ये सत्य का हमें बोलना है, ईश्वर का घराना हम है, हम अंत तक वह भरोसा और आशा बनाए रखें जिस पर हम गौरव कर सकते हैं। तो हमारी घर की पवित्रता को इतनी सुंदर बनाए रखना चाहिए जिस पर हमारे पर हमारा गौरव होना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रभु यीशु अपने घर में बताया, ईश्वर घराने के अध्यक्ष बनकर पुत्र के रूप में ईमानदार रहे, यानी पुत्र प्रभु यीशु अपने ईश्वरीय घर के ऊपर बेटा बनकर ईमानदार रहे और अपनी जवाबदारी को पूरा निभाया। वही यीशु पुत्र बनकर हमारे एक व्यक्तियों के घरों में रहना चाहता है, क्योंकि इसलिए वचन कहता है ईश्वर का घराना कौन है? हम अग्नि शारदा, ईश्वर का घराना कौन है? हम है। तो हमारी एक व्यक्ति ईश्वर के लिए घर है, और इसलिए प्रभु यीशु पुत्र बनकर हम अनेक व्यक्तियों के साथ जीना चाहते, दास बनकर नहीं, क्योंकि पुत्र और दास में फर्क है कि नहीं साइमन कासिमेर? पुत्र को घर में सब पूरा अधिकार है, और नौकर को या दास को अपना कोई अधिकार नहीं, अपना कोई अलग चीज नहीं होता है, जो मालक देता है वही उसके पास होता है और हर समय वो मालक की इच्छा पूरा करता है। मगर प्रभु यीशु पुत्र बनकर हमारे साथ जीना चाहता है, यानी हमारे के व्यक्तियों को भी ईश्वर के घर में हम सबों को पुत्र की दर्जा मिल रही है। हम सबों को क्या मिल रही है? पुत्र पुत्रियों का दर्जा मिल रही है, दासों का ना मनोभाव नहीं मगर पुत्रों का मनोभाव हम सबों को मिला है। और यदि ईश्वर के घर में हम सब पुत्र बनकर जिएंगे, जब हम यीशु को अपने दिल में वास करने देंगे
और यदि ईश्वर के आत्मा पवित्र तृत्व हमारे दिल में हमारे शरीर में वास करता है, हम सबों को भी वही दर्जा मिलती है, हम पुत्र बनकर जीते हैं। और इसलिए घर में जो कुछ होता है उसमें अपना बेटे का अधिकार होता है। वैसा हम दासों का मनोभाव से नहीं मगर पुत्र बनकर जीने के लिए हमें ईश्वर बुलाता है। इसलिए हम हर एक व्यक्ति अपने शरीर और आत्मा को प्रभु के लिए योग्य स्थान बनाकर निरंतर यीशु को हमारे जीवन में रखना चाहिए, है कि नहीं काशी में? हमारा शरीर को पवित्रता में निरंतर रखना है। और आगे चलकर पढ़ेंगे प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 22:17 में। ब्रदर का आवाज सुनेंगे, ब्रदर का आवाज थोड़ा धीरे है, अभी जोर से पढ़िए ब्रदर। प्रकाशन ग्रंथ 22:17 में, प्रकाशन ग्रंथ आखिरी पन्ना 22:17 में, तो यहाँ निमंत्रण है साइमन, निमंत्रण मिलता है। बाइबल के आखिरी आखिरी पन्ने में आखिरी शब्दों में क्या लिखा है? आत्मा और वधु दोनों कहते हैं। बोलिए मेरे बात, आत्मा और वधु, आत्मा तथा वधु दोनों कहते हैं, जो सुनता है वह उत्तर दे, आइए, जो प्यासा है वह आइए, जो चाहता है वह मुफ्त में संजीवन जल ग्रहण करे। तो यहाँ पवित्र आत्मा हम सबों को बुलाता है, ना कल हमको, सारी दुनिया के लोगों को बुलाता है। कहाँ? यीशु के पास, मुक्ति दाता के पास पवित्र आत्मा बुलाता है। टू द सेवियर, प्रभु यीशु मुक्ति दाता के पास बुलाता है। इसलिए बुलाता है टू पार्टेक ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉस्पेल, सुसमाचार के आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमें सहभागी होने के लिए हमें बुलाता है। और जब हम सुसमाचार की आवाज सुनकर जवाब देते हैं हमें मुक्ति प्राप्त होती है, वी बिकम मुक्ति अनुभव किए व्यक्ति बन जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कैसे सुसमाचार में इतनी फ्रीली, स्वतंत्रता आजादी में सबों को निमंत्रण दिया जाता है, हर मानव के लिए दया की इनविटेशन, दया को अनुभव करने के लिए ईश्वर हम सबों को बुलाता है। इसलिए हमें पता चलता है कि सभी लोगों को लिए मुक्ति का वरदान मुफ्त में प्राप्त है, कि नहीं बोलो? ईश्वर के मुक्ति विधान सभी लोगों के लिए मुफ्त में प्राप्त है, इसलिए सबों को बुलाता है। और यह वचन कहां पढ़ते हैं? सुसमाचार के या बाइबल के अंत पेज में। दिस इज द लास्ट वार्निंग ईश्वर की ओर से सबों के लिए, यह इनविटेशन है, निमंत्रण है, आओ, वह मुक्ति सबों के लिए प्राप्त है। और यह मुक्ति विधान का जो इनविटेशन है वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, और पवित्र आत्मा स्वयं हमें बुलाता है उस प्रभु यीशु क्राइस्ट के मुक्ति कार्य में आगे बढ़ाओ। वचन कहता है आत्मा तथा वधु, आत्मा तो पवित्र आत्मा बुला दे, वधु कौन है? शारदा जयंती आपका चेहरा नहीं दिखता, पर इस तरफ है, इस तरफ नहीं तो उधर, वधु ये कौन है? वधु जयंती बताओ। आत्मा तथा वधु दोनों कहते हैं, आत्मा तो पवित्र आत्मा, ये वधु कौन है? वधु कौन है? आत्मा तत्व वधु दोनों कहते हैं, आत्मा तो पवित्र आत्मा है, ये वधु कौन है? मान रहे बोलते हैं वर वधु, वर कौन होता है? आदमी। और वधु लेडीज, आप यहां किस मतलब से बोल रहे हैं? वर वधु, आत्मा और वधु दोनों कहते हैं मुक्तिदाता यीशु के पास आओ, ये वधु कौन है? कौन साथी? आत्मा के साथी, आत्मा के साथी। ओके जयंती बोलो,
अभी भी आपके चेहरा नहीं दिख रहा, तब फंस के बैठा ना सिस्टर एलिजाबेथ के पास। अब डरते हैं एलिजाबेथ के पास जाने के लिए, वो तो अच्छी सिस्टर है, कुछ नहीं करेंगे आपको। और थोड़ा कसो बोलिए, वधु कौन है? सोनम कश्मीर वधु कौन है? शरीर है, वधु है, कौन है, क्या नाम है? विनय वधु कौन है? बेटा वधु कलिसिया है, कौन है? माता कलिसिया बोलते कि नहीं? माता कलिसिया हमें बुलाती है, तो वधु कौन है? लिख दो उसको, वधु कलिसिया है या चर्च है, तो आत्मा भी बुलाती है और कलिसिया से लगातार बुलाती जाती है। अब सभी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का मुक्ति विधान खुला है, निमंत्रण है, इसलिए मार्गरेट वधु कौन है? कलिसिया है। कलिसिया किसको बोलते हैं? कलिसिया कौन है? कालाई के गोरा है हम, अनेक व्यक्ति विश्वासी, तो कलिसिया के रूप में हम जो प्रभु में है बाकी लोगों को भी बुलाते हैं, आओ प्रभु में मुक्ति मुफ्त में ग्रहण करो। और आत्मा भी बुलाता है और वधु भी बुलाते हैं, किसके पास आओ? प्रभु के पास आओ, मुक्ति ग्रहण। और आइए जो सुनता है वह उत्तर दे, ये सुनने वाला कौन है काशिमीर? जो सुनता है वह उत्तर दे, ये सुनने वाला कौन है? हमारी एक व्यक्ति। तो पवित्र आत्मा यीशु के पास आने के लिए निमंत्रण देता है, वधु कलिसिया लोगों को बुलाता है। अभी हमारी पारी है, हमारी एक व्यक्ति जो वचन सुनते हैं, हमारी भी पारी है अपने पड़ोसियों को मुक्तिदाता यीशु के पास लाने के लिए। इसलिए जो सुनता है वह उत्तर दे। और इसलिए विमला, हम वचन सुनने के बाद सिर्फ अपने लिए मात्र नहीं रखना है, अपने पड़ोसियों को भी यीशु के बारे में, मुक्तिदाता के बारे में बताना है, और अन्य पड़ोसी लोगों को भी हमें मुक्तिदाता यीशु के पास लाना है कि नहीं? विनय यस, हाँ बोल रही कि नहीं? यस, जो से आवाज करो। और जो वचन सुनता है वह भी उत्तर दे। आगे सबसे वचन बताता, आइए जो प्यासे हैं वह आए, जो प्यासे हैं वह आए। कौन प्यासे हैं? हमारी एक व्यक्ति प्रभु के लिए प्यासे होने चाहिए, है कि नहीं? प्यासे कभी बुझने वाली प्यास नहीं है, हम प्रभु के पास आते रहते हैं और प्यास बुझाते रहते हैं। जैसे यात्री गर्मी में यात्रा करने के बाद अच्छे ठंड जल के लिए प्यासे रहते हैं और घर पहुंचते ही अच्छा ठंड जल पीकर तृप्त होते हैं, वैसा हमारे के व्यक्तियों के दिल में उस प्रभु को पाने के लिए हमेशा प्यासा होना चाहिए। और जो चाहता है, आगे चलकर देखते हैं, जो चाहता है वह मुफ्त में संजीवन जल ग्रहण करे। जो चाहता है मतलब हर एक व्यक्तियों के दिल में जो ईश्वर को पाने के लिए जो इच्छा है वह भी ईश्वर के पास आए और संजीवन जल ग्रहण करे। संजीवन जल किसके प्रतीक है विनय? संजीवन जल किसके प्रतीक है? मार्गरेट जैन जी बोलो, संजीवन जल यहां लिख रहे कि नहीं? आगे संजीवन जल ग्रहण करे किसके प्रतीक है? पवित्र आत्मा के प्रतीक है। जो प्यासा है वह मेरे पास आए, मैं उन्हें संजीवन जल पिलाऊंगा। और जब संजीवन जल पीकर संतृप्त हो जाते, वैसा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आने से हमें हर प्रकार की कमियों से पूरा हो जाते हैं, पूरक बन जाते हैं, किसी बात की हमारे जीवन में कमी नहीं होती है। इसलिए पवित्र आत्मा कलिसिया वधु है और हमारे एक व्यक्ति जो सुनने वाले हैं, हमारे एक व्यक्ति जो प्यासे हैं, सभी लोग यीशु के पास लोगों को लाना चाहिए। मास्टर ब्रिंग्स द स्लेव, दास अपने मालक को बुलाएगा, मालक अपने दास को बुलाएगा। माँ बाप अपने बच्चों को यीशु के पास लाते हैं और बच्चे भी कभी कभी माँ बाप को याद दिलाते हैं, चलो हम मंदिर जाए, प्रभु के यीशु के पास जाए। वैसा हमारे एक व्यक्ति पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ में लाए। We must bring everyone to the source, जहां जल का स्रोत है, पवित्र आत्मा का जल, पवित्र आत्मा जो जल है वह सूत्र है, उसके पास लाए तो हमें संजीवन जल मिलेगा। यानी पवित्र आत्मा मिल जाने से फिर हमारे जीवन में किसी बात की कमी नहीं होगी।
ना केवल हम पड़ोसी एक दूसरों को बुलाते हैं, माता पिता बच्चों को बुलाते हैं, मगर जो चर्च कलीसिया बुलाती है, मगर चर्च इन हेवन, स्वर्ग में भी एक चर्च है कि नहीं जयंती? स्वर्ग में चर्च है कि नहीं? यह जितना भी विश्वासी गए यहां मरकर ऊपर गए हैं, वहां एक समुदाय बनकर ईश्वर की स्तुति करते हैं, इसलिए वो चर्च भी हमें बुलाती है, स्वर्गीय चर्च भी हमें बुलाती है ईश्वर के पास। इसलिए आइज़ाया नबी 55:1 में हम पढ़ेंगे कासिमीर, आइज़ाया 55:1, आइज़ाया 55:1 से, आइज़ाया 55:1, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ, यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं हो तो भी आओ, मुफ्त में हम खरीद कर खाओ, दाम चुकाए बिना अंगूरे और दूध खरीदो, जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो, जो तृप्त नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो, मेरी बात मानो खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीजें मिलेंगी और तुम लोग भगवान खाकर प्रसन्न होंगे। आज मेरे बात बोलिए, तुम सब जो प्यासे हो, बच्चे लोग बोलो, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ, यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ, दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो, जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो, जो तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो, मेरी बात सुनो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीजें मिलेगी और तुम लोग भगवान खाकर प्रसन्न रहोगे। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। शायद किस बात पर ध्यान देना है? ईश्वर की बातों पर ध्यान देना है और ईश्वर कहता है तुम्हें मुक्त में मुक्ति मिलेगी। तुम सब जो प्यासे हो मेरे पास आओ, तुम्हें मुक्त में मुक्ति मिलेगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का मुक्ति को जो पुरुष मरण के द्वारा हमें मुक्ति मिली उसको हम खरीद नहीं सकते हैं। शायद खरीद सकते हैं, सब खरीद सकते हैं नहीं, मुक्त में है। और इसलिए यह मुक्ति की योजना सभी मानव के लिए है और सभी लोगों को यीशु के पास बुलाना हमारा कर्तव्य है। और इसलिए ऐसा इस नबी बहुत पहले से इस मुक्ति के बारे में हमें समझा दिया है। आखिरी बात मार्कुस 3:28 जयंती पढ़ो, पढ़िए मार्कुस 3:28। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मनुष्य जानता है जो भी पाप या इस निंदा करें उन्हें सच्ची क्षमा मिल जाएगी, परंतु वह आत्मा की निंदा करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। आप लोग इस विषय में मेरे बात बोलिए, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश निंदा करे उन्हें सबकी क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी, वह अनंत पाप का भागी है। तो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप क्या है जिसको कभी क्षमा नहीं मिलेगी? बोलो, पवित्र आत्मा के विरुद्ध कौन सा पाप है? वचन कहता है उसके विरुद्ध कभी क्षमा नहीं मिलेगी। कासिमीर कौन सा पाप है वो?
पवित्रात्मा के विरुद्ध पाप है, सिल्वेस्टर पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप को नहीं, ब्रदर आप बताओ पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप की कभी क्षमा नहीं मिलेगी। साइमन कुछ बोले? ओके सोनम, ये साइमन बोला वही सही है, मैं दूसरे कुछ नहीं बोल सकता हूँ। शारदा आप बोलो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप कौन सा है? मार्गरेट छोटे बड़े, ये छोटे कौन है बड़ा कौन है? ये छोटा है, आपको झूठ बोलने से किसी को फांसी लगेगी, ये छोटा पाप नहीं है, झूठ बोलना बड़ा पाप हो सकता है। जय हिंदी बोलो। जो चर्च नहीं आते हैं आप तो आप पाप स्वीकार करते हैं, पाप में चंदे भी समय नहीं आएंगे, आप क्षमा मिलती ना। पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप कौन सा है? जय हिंदी पवित्र आत्मा के विरुद्ध। ओके टेरिजा बहन, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप कौन सा है? पवित्र आत्मा जैसे मैंने शुरुआत से कहा प्रेरित पर क्यों उतरा, इस दुनिया में क्यों आया? प्रभु यीशु के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। और प्रभु यीशु के कार्य सबसे पहला क्या था इस दुनिया में आने से? प्रभु यीशु क्रिस्त का सबसे पहला कार्य क्या था? यू ही वह प्रवचन देने लगा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो, ये प्रभु यीशु के कार्य। और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के इस कार्य को आगे बढ़ाता है। कौन सा कार्य? पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। और जो व्यक्ति पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है, ई सिन्नी अगेंस्ट द होली स्पिरिट, जो व्यक्ति पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है वो किसके विरुद्ध पाप करता है? पवित्र आत्मा के विरुद्ध है। पश्चाताप नहीं करने वाला क्या बोलना चाहता है? मैं पाप में बने रहूंगा, मैं ऐसे ही जीवन जीऊंगा, मुझे कोई खिलाने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही जीऊंगा। तो वह जो पाप में जीवन जीता है और वो सुसमाचार में विश्वास नहीं करता है। और जो पाप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो वह ईश्वर को अपने जीवन में जगह दे ही नहीं रहा है, बिल्कुल ईश्वर के लिए उसके जीवन में जगह है ही नहीं। और इसलिए जो लोग पश्चाताप करने से इनकार करते हैं और वे लोग सुसमाचार में विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को क्षमा मिलना ही नहीं, क्योंकि वह स्वयं बोलते हैं मुझे ईश्वर नहीं चाहिए। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। जो पश्चाताप करना नहीं चाहता है वो पाप में ही जीना चाहता है, और पाप में ही जीने वाला क्या कहता है? मुझे ईश्वर नहीं चाहिए, और वो स्वयं क्षमा को अस्वीकार करता है। दिस इज द सिन अगेंस्ट द होली स्पिरिट। और इसलिए हमें पश्चाताप करना है। शारदा क्या करना है? पश्चाताप करना है, सुसमाचार में विश्वास करना है, और बहुत से लोगों को सुसमाचार की आशीष प्राप्त करने के लिए अपने लोगों को बुलाना है। दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। और हम सबों को वह पवित्र आत्मा आज यही संदेश देता है, जो सुनने वाले हैं, जो प्यासे हैं और जो वधु हैं, सब जन प्रभु की इस आत्मा को ग्रहण कर सब लोगों को सुसमाचार के वचन सुनने के लिए प्रभु यीशु के पास है, मुक्तिदाता के पास सभी लोगों को लाना है। दिस इज द फीस्ट ऑफ द पेंटेकोस्ट। हम सबों पर पवित्र आत्मा उतरने से हम सबों को यही कार्य है। जैसे प्रेरितों ने मुक्तिदाता प्रभु यीशु को महिमान्वित किया और बहुत से लोगों को यीशु के पास लाया पश्चाताप की सुसमाचार सुना के, वैसा पवित्र आत्मा को ग्रहण कर हम भी पश्चाताप के लिए लोगों को बुलाना है, मुक्तिदाता के पास यीशु, मुक्तिदाता यीशु के पास लोगों को बुलाना है। और स्वर्ग का राज्य सभी लोगों के लिए मुफ्त में मिल रहा है इस मुक्ति मुक्तिदाता प्रभु यीशु की मुक्ति कार्य में सबों को सहभागी होने के लिए आपको और मुझको काम करना है, मेहनत करना है। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से प्रेरितों पर पवित्र आत्मा भेजकर कलीसिया की शुरुआत की, सबों को पश्चाताप के लिए सुसमाचार में विश्वास करने के लिए बुलाया है। पवित्र आत्मा उतरने से
प्रेम के प्रभु यीशु को महिमान्वित किया। पवित्र आत्मा आपके द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त का चेहरा चमकने लगा। वही पवित्र आत्मा हम अनेक व्यक्तियों के जीवन में आई। हम आपके लिए प्यासे हैं, भूखे हैं। संजीवन जल के रूप में हमारे दिल में जीवन में आइए, क्योंकि हमारा शरीर आपका पवित्र मंदिर है, हमारी आत्मा आपकी पवित्र मंदिर है। हम में पुत्र बनकर जिए और हमारे एक व्यक्तियों को निरंतर संचालित कीजिए, जैसे प्रेरित लोगों ने बहुत से आत्माओं को प्रभु यीशु के मुक्ति कार्य में सहभागी बनाया, वैसा हम भी अपने पड़ोसियों को, हमारे एक व्यक्तियों को जो मुक्ति मुफ्त में मिल रहा है उसमें सहभागी होने के लिए हम बुला सके। इस कार्य में हम सबों को शामिल कीजिए। पवित्र आत्मा निरंतर हम में रहकर हमारे जीवन को संचालित कीजिए। यह वरदान मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।